साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसुम नवाज की नमाज जनाजा अदा। जनाजे में सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। रश की वजह से मैयत को एम्बुलेंस से बाहर ना निकाला जा सका। मौलाना तारिक जमील ने गाड़ी के करीब ही नमाज जनाजा पढ़ा दी। मियां नवाज शरीफ खुद गाड़ी ड्राइव करके जनाजागाह पहुंचे। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में शदीद बदनज़मी, धक्कम पेर से नवाज शरीफ भी महफूज न रह सके। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद नवाज शरीफ को हुजूम को पीछे धकेलना पड़ा। नवाज शरीफ अपनी गाड़ी में सवार होकर कब्रिस्तान रवाना हो गए। नमाज जनाजा की अदायगी से कबल जाति उम्रा में नवाज शरीफ, उनकी वालिदा और अहल खाना को आखिरी दीदार कराया गया। मरियम नवाज चचा शहबाज शरीफ के गले लगकर रोती रहीं, भतीजी को दिलासा दिया। रक्त आमेज मनासर। आंखें खोलो कुलसूम, बाबू जी, कुलसूम बाबू जी। बेगम कुलसूम नवाज का आखिरी दीदार करने के लिए खवातीन और मर्द कारकुनों की बड़ी तादाद जाति उम्रा पहुंची। रोके जाने पर सिक्योरिटी एहलकारों से तू तकार, ख्वाजा आसिफ और सरताज अजीज को भी अंदर जाने की इजाजत न मिली। मियानी साहब कब्रिस्तान के बाद मियां मीर दरबार में भी आहतों के खिलाफ ऑपरेशन। आहतों की मिसमारी का काम जारी। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने आहतों की मिसमारी का हुक्म दिया था। मुल्की मामला चलाने के लिए खजाना खाली है। कर्जों पर रोजाना 6 अरब रुपए सूद अदा कर रहे हैं। करप्शन खत्म किए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का सिविल सर्वेंट से खिताब। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस में भी इस्लाहात लाने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गवर्नर हाउस आमद चौधरी सरवर से मुलाकात। मुल्की मामलात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तब्दीली के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे अमली इकदाम से तब्दीली सबको नजर आएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्ताद से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। सियासी और पार्लिमानी अमूर पर तबादले ख्याल। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स और करप्शन का खात्मा किया जाए। सब इंस्पेक्टर जमील ने वजीर आजम पाकिस्तान को 11 नकात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। नवीं और 10वीं मुहर्रम को 12 इजलास के जलूसों की फजाई निगरानी का फैसला। आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर ने होम डिपार्टमेंट को खत लिख दिया। लेस्को का 9वीं और 10वीं मुहर्रम को लोड शेडिंग ना करने का फैसला। एफपीआर इन एक्शन, पाक अरब सोसाइटी का ऑडिट शुरू। एफपीआर ने पाक अरब सोसाइटी का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। कजाफी स्टेडियम में खवातीन हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट कैंप। ग्रीन टीम ने प्रैक्टिस मैच में येलो टीम को 93 रन से शिकस्त दी थी। येलो टीम 314 रन के जवाब में 220 रन पर ढेर।